सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप तक पहुंचते रहे हमारे वीडियो टाइम टू टाइम। हाय दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं बीएनसी यूनिवर्स चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम लेके आपके लिए एक ऐसा वीडियो जिसमें हम आपको जो है कनाडा के कुछ एक ऐसा प्रोग्राम के बारे में बताएंगे जिसमें कि आप जो है पीआर ले सकते हैं वो भी बहुत ही आसानी से। तो कौन सा ये प्रोग्राम जानेंगे आज के हमारे वीडियो में, साथ ही साथ जानेंगे हमारे कुछ न्यू सर्विसेज जो कि ऑनलाइन आने वाले हैं उसके बारे में जो हम बात करने वाले हैं आज के हमारे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें हमारे ऑनलाइन सर्विसेज के बारे में, हमारे ऑनलाइन सर्विसेज जो है थोड़े से बढ़ने वाले हैं क्योंकि हमारे मैक्सिमम काम जो है ऑनलाइन होते हैं, क्योंकि हम जो जॉब सर्च है वो भी जो है ऑनलाइन करते हैं और एम्प्लॉयर को आपका सीवी भी जो है ऑनलाइन फॉरवर्ड करते हैं। इवन कई सारी जगह पे जो है आपका साइनअप भी जो है ऑनलाइन होता है। तो इसलिए जो है हम अपना ऑनलाइन प्रेजेंस को जो है ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं, इसलिए कई सारे हमारे यूट्यूब मेंबरशिप आ सकते हैं इन फ्यूचर, जिसके ऊपर की काम चल रहा है। तो काफ़ी जल्दी जो है सारे प्रोग्राम्स आ जाएंगे, उसके बारे में हम डिटेल्स में जो है आपको बताएंगे। थोड़ा सा अगर हम जो है आपको यहाँ पे समरी बता दें कि क्या चेंजेस आने वाले हैं हमारे YouTube मेंबरशिप में, देन 1000 रुपये में जो है आपका सीवी का जब काम हम करते थे वो जो है आप YouTube मेंबरशिप के थ्रू से भी करवा सकते हैं। इवन हमारे जो जॉब सर्च का जो प्रोसेस है उसका भी जो है प्रोसेस आप ऑनलाइन कर सकते हैं YouTube के माध्यम से, आपको जो अलग से पे नहीं करना पड़ेगा। YouTube मेंबरशिप ले लेंगे देन उसका भी जो है तकरीबन हम जो अभी हमने फिक्स नहीं किया है बट 1500 से 2000 के बीच में रहेगा, क्योंकि YouTube मेंबरशिप जो है वो मंथली होता है, इसलिए जो है हम आपको ये चीज़ इतना कम में दे रहे हैं। अदरवाइज़ हमारा एनुअल पैकेज जो है वो 20,000 का है जो कि ऑफलाइन है, जो कि काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनको ध्यान में रखते हुए जो है हम 1500 से 2000 के बीच का एक अमाउंट जो है फिक्स करने वाले हैं इन फ्यूचर, जो कि हम चार्ज करने वाले हैं हमारे जॉब सर्च सर्विस के लिए। और साथ ही साथ वीज़ा प्रोसेस अगर आपको करना है, सिर्फ वीज़ा का एप्लीकेशन करना है, देन उसके भी चार्जेस जो है अराउंड 2000 रहने वाले हैं। तो सारी चीज़ें जो है अभी अंडर प्रोसेस हैं, तो इन फ्यूचर जैसे ही ये सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाते हैं और हम अपना ऑनलाइन प्रेजेंस ज़्यादा बना के जो है अपना ऑफलाइन प्रेजेंस, वैसे भी हम जो है उतना टाइम नहीं देते कि वो 3 से 6 ही जो है हम अपने ऑफिस में बैठते हैं, तो उसे भी जो है हम थोड़ा सा कम करना चाहते हैं। क्योंकि जनरली हमने ये देखा गया है कि ऑफिस में जो है क्लाइंट आते हैं और काफ़ी सारे बातचीत होती हैं सिर्फ, बट प्रोसेस जो है वो तो ऑनलाइन ही होता है। तो इसलिए जो है हम अपना ऑनलाइन प्रेजेंस ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और अपना ऑफलाइन का काम जो है थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बारे में जो है डिटेल्स काफ़ी जल्दी आ जाएंगे हमारे वीडियो में। तो अभी बात करते हैं कनाडा का वो प्रोग्राम जिसके थ्रू से जो है आप कनाडा जा सकते हैं और इजीली पीआर ले सकते हैं, वो भी विदाउट एलएमआईए। तो कौन सा ये प्रोग्राम, वो है न्यूफाउंडलैंड एंड लेब्राडोर अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, जिसके माध्यम से आप जो है न्यूफाउंडलैंड और लेब्राडोर जो है जा सकते हैं और वहाँ पे जो है सेटल हो सकते हैं। इसके लिए काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि अगर हम आइल्स की बात करें देन अगर आप जो है टीयर 0, 1, 2, 3 में आते हैं देन आपको जो है CLB 5 ही चाहिए, जो कि काफ़ी आसानी से आ जाएगा। मतलब अगर आप पकड़ लें देन ओवरऑल जो है आपका 5.5 अगर आइल्स में आ जाता है देन आपका जो है CLB 5 हो जाएगा। और अगर आप जो है Tier 4 को बिलोंग करते हैं देन उसमें और भी रियायतें हैं और आपका जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगा वो रहेगा CLB 4 का। मतलब अगर आप जो है 4.5 बैंड भी ले आते हैं ईच, देन जो है आप यहाँ पे इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे Tier 4 के अंतर्गत इस प्रोग्राम में। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है जो वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है वो भी जो है 1 ईयर का ही मांगा गया है इन लास्ट 5 ईयर, मतलब पिछले 5 साल में जो है आपका 1 साल का ही जो है वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये एक भी बहुत अच्छी चीज़ है कि सिर्फ 1 साल का जो है वर्क एक्सपीरियंस काउंट कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो प्रोग्राम है उसमें 2 या 3 साल का जो है वर्क एक्सपीरियंस मांगा जाता है, उससे कम का जो है नहीं चलता, बट यहाँ पर जो है 1 साल का भी वर्क एक्सपीरियंस मायने रखा जाएगा। तो इसलिए अगर आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है और आप कनाडा जाना चाहते हैं देन ये जो प्रोग्राम है आपके लिए बेस्ट हो सकता है। और अगर हम जो है यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें देन क्वालिफिकेशन भी उतना ज़्यादा जो है नहीं मांगा गया है, इतना ही कहा गया है कि आपके जॉब ऑफर में जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है उस क्वालिफिकेशन से जो है ज़्यादा होना चाहिए आपका क्वालिफिकेशन, और ये जो क्वालिफिकेशन है ये कनाडा में अप्रूव्ड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके कंट्री में जो है आपने बैचलर कर रखा है और कनाडा के लेवल से जो है वो 12 दिखा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जो है आपको ECA अपना करवा के रखना पड़ेगा, तो ECA जो है यहाँ पे कंपलसरी रहेगा, साथ ही साथ आपका IELTS भी जो है कंपलसरी रहेगा विथ वेरी लो स्कोर, मतलब काफ़ी कम स्कोर में जो है, मतलब पकड़ के चलिए कि 4.5 बैंड भी अगर आपके ईच आ जाते हैं देन ऑल्सो जो आप यहाँ पे क्वालिफाई कर जाते हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होता है और ECA में आपका एजुकेशन अगर जो है
रिक्वायर्ड एजुकेशन से ज़्यादा हो जो आपके ऑफर लेटर में दिया गया है, देन आप जो है यहाँ पे क्वालिफाई कर जाते हैं। बहुत आसान प्रोग्राम है कनाडा जाने के लिए, आप एक ट्राई जो है इसमें दे सकते हैं और इसमें जो है 250 प्लस ऑक्यूपेशन की लिस्ट है जिसमें कि आप जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको अगर वो लिस्ट चाहिए देन आप जो है मुझे मेल कर सकते हैं, मैं वो लिस्ट जो है आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। और यहाँ पे जो सेटलमेंट फंड है वो भी जो है काफ़ी कम है, अगर एक ही आदमी जा रहा है देन 3327 कैनेडियन डॉलर का जो है सेटलमेंट फंड आपको दिखाना पड़ेगा, और अगर 2 पर्सन जा रहे हैं देन 4200 कैनेडियन डॉलर जो है यहाँ पे चाहिए होंगे। तो ये काफ़ी कम अमाउंट माना जा सकता है बाकी प्रोग्राम से अगर हम जो है कंपेयर करें तो 3000 या फिर 4000 कैनेडियन डॉलर जो है आप आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं अपना सेटलमेंट फंड दिखाने के लिए, और इसके बाद जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल्स चाहिए देन आप जो है हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे थ्रू से इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं देन वो भी जो है आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका ऑक्यूपेशन जो है जो 250 प्लस ऑक्यूपेशन है उसमें अगर आता है देन आप जो है इसमें आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर दीजिएगा, एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी बट वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार जो है आप इसमें अप्लाई कर देते हैं। लेकिन इसमें अप्लाई करने से पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपका ICA और आपका IELTS का रिजल्ट जो है आपके पास होना चाहिए, तभी जाके जो है आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ये दो चीज़ों के साथ जो है आप अप्लाई कर दीजिए, वन टाइम रहेगा आपका पेमेंट, और उसके बाद जो है जब भी ये ड्रॉ खुलता है और अगर आपका नंबर आता है देन आप जो है फिर कनाडा ट्रैवल कर सकते हैं। काफ़ी आसान मौका है ये कनाडा जाने के लिए काफ़ी कम रिक्वायरमेंट के साथ, तो जो लोग भी कनाडा जाने की प्लानिंग कर रहे हैं वो लोग जो है इसे एक ऑप्शन की तरह से सोच सकते हैं। अगर आपको इस प्रोग्राम से कोई भी डाउट हो देन आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं जो है उसका जवाब दे दूंगा। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए जो है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का वीडियो बस इसी के साथ समाप्त करता है, जिससे विश्वास आने का स्टे कनेक्टेड।